चल रहे ऑटो एक्सपो में कंपनियां इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को भी बढ़ चढ़ कर पेश कर रही हैं। लोहिया कंपनी ने अभी इस तरह की जो स्कूटी है वो लॉन्च की है। खास बात यह है कि पिछले साल भी इस तरह की स्कूटी इनके पास थी ज़रूर, लेकिन इस बार इसमें बहुत से वेरिएशन किए गए हैं। पिछले ऑटो एक्सपो में जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसकी जो बैटरी थी वो लेड एसिड की थी, और जिसकी वजह से उसका जो माइलेज था बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार कंपनी ने बैटरी के अंदर लिथियम का इस्तेमाल किया है, और कंपनी का ये दावा है कि इसकी वजह से इसकी जो माइलेज है बहुत बढ़ गई है, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम हो गई है। साथ ही जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटी को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए निखिल कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि कंपनी के सेल्स और सर्विस डिपार्टमेंट के हेड हैं। निखिल जी, ये बताइए कि इस तरह की जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उसको लेकर किस तरह का रिस्पांस फिलहाल देखने को मिला, रिस्पांस किस तरह का है? इलेक्ट्रिक, एज एवरीवन नोज, इलेक्ट्रिक इज फ्यूचर। तो अभी निश्चित रूप से जब से हमारे गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है, उसके बाद से इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ा है। जो बैटरी की बात हम लोग करें तो नॉर्मली इसमें कन्वेंशनल बैटरी लेड एसिड बैटरी पे काम होता था, लेकिन अभी लेड एसिड बैटरी के बजाय हम लोग मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी के साथ आएँ। लिथियम आयन बैटरी के दो तीन बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज इट इज़ मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी एसिड और समथिंग टू पोर ऑन, एंड इट इज़ अ कंसील्ड बैटरी। सेकेंड थिंग इज कि इसमें इसकी चार्जिंग बहुत कम समय पर होती है, दो से ढाई घंटे के अंदर में ये फुल चार्ज हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है, तो ये लाइफ साइकिल इसकी 3 times है एज़ पर दी कन्वेंशनल बैटरी। कार्गो को लेकर अगर हम बात करें तो कार्गो में हमारा आज सबसे बड़ी बात है कि कार्गो एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत महंगा सौदा है। नॉर्मल कार्गो जो मार्केट में चलती हैं डीजल की या किसी भी चीज़ की, वो लगभग 2.5 lakh रुपए की आती है, जबकि अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो कि 1.25 lakh रुपए में अवेलेबल है, 1.25 lakhs में अवेलेबल है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फीचर, एंड अगेन इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इस बार ऑटो एक्सपो में लॉन्च किए गए हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी अच्छी ये मुहिम है और कितना सीनियरली लोगों को इनको परचेज करना चाहिए? इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड स्कूटर्स ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, सो आई गेस ज़्यादा लोगों को इसको प्रेफर करना चाहिए। एक्चुअली बहुत अच्छा है पोल्यूशन के लिए भी, एंड इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली हो जाएगा बिकॉज मैनुअली लोगों को इतना नहीं कुछ करना पड़ेगा, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज ऑलवेज गुड, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यू नो फ्यूल कंजम्पशन और वो सब के लिए बहुत अच्छा है। तो कार्स आर वेरी गुड, हमने मारुति की कार देखी, कॉन्सेप्ट कार विच माइट बी लॉन्चिंग इन फ्यूचर, सो इट इज़ वेरी गुड। गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि लोग मोर एंड मोर कम फॉरवर्ड आएँ ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ कर सके। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेगी, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करेगी, तो बहुत ही आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, पॉल्यूशन अपने आप नीचे आ जाएगा, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि जो मैक्सिम लोग हैं बहुत पसंद कर रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस बार लॉन्च किए गए, और ख़ास बात है कि लोगों को लगता है कि इसके लिए सरकार जिस तरह से लोगों में जागरूकता अभियान बढ़ा रही है, उसे और भी तेज़ी से इस जागरूकता अभियान को चलाया जाना चाहिए। साथ ही जो कीमत है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए सरकार को अपनी तरफ से इन कंपनीज को सहयोग देना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।